तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं WWE के अगले पेपरव्यू मनी इन द बैंक के बारे में और उसकी मैच कार्ड प्रिडिक्शन के बारे में। मनी इन द बैंक को हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन ऑलरेडी WWE ने यहां पर इसका बिल्डअप स्टार्ट कर दिया, कुछ मैचेस यहां पर अनाउंस भी कर दिए हैं। तो बाकी के मैचेस को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, कौन से और कितने मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं मनी इन द बैंक पेपरव्यू के अंदर। इसके साथ ही जो दो लैडर मैचेस होने वाले हैं उनके भी यहां पर हम जो सुपरस्टार होंगे उनको भी यहां पर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैच जो कि यहां पर कंफर्म ही है, WWE ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है, बॉबी लेस्ली वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए। यहां पर ये वाला मैच कंफर्म हो चुका है। इसके साथ ही रिया रिपली वर्सेस शार्लेट फेयर का मैच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, ये वाला मैच भी यहां पर कंफर्म है। इसके अलावा हम कुछ मैचेस के बारे में बात करें, तो सबसे पहला मैच यहां पर जो कि मुझे लग रहा है हमें देखने को मिल सकता है वो है यहां पर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए AJ स्टाइल्स एंड ओमोस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो वाइकिंग रेडर्स हैं वो यहाँ पर नंबर वन कंटेंडर बने हुए हैं और आगे चल के बिल्कुल यहाँ पर वो चैलेंज करेंगे AJ स्टाइल्स एंड ओमोस को। तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि WWE इस वाले मैच को मनी इन द बैंक के अंदर डाल सकते हैं। क्राउड भी यहाँ पर आने वाला है और AJ स्टाइल्स, ओमोस, वाइकिंग रेडर्स, ये सारे सुपरस्टार यहाँ पर एक कमाल का बढ़िया मैच भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये वाला मैच भी मुझे लग रहा है जो कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अगले मैच के बारे में बात करें जो कि गाइस यहाँ पर आता है, वो आता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रिंग्स वैसे डोमिनिक मिस्टीरो का मैच यहाँ पर डाला है, क्योंकि वैसे तो हमने देख लिया कि रे मिस्टीरो का मैच हो चुका है यहाँ पर रोमन रेस के साथ, लेकिन हमने देखा था कि रोमन रेस ने अटैक करा था डोमिनिक के ऊपर, और हालांकि जो रे मिस्टीरो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली अपना बदला लेने की, लेकिन वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर अभी ज़्यादा कोई अपोनेंट है नहीं है रोमन रेस के लिए, तो WWE यहाँ पर डोमिनिक को भी डाल सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है डोमिनिक भी वैसे कोई सुपरस्टार हैं, वो रेसलर तो बनी चुके हैं, तो वो यहाँ पर चाहेंगे कि वो अपना बदला खुद रोमन रेस से लें, जो कि रोमन रेस ने उनकी हालत ख़राब कर दी। तो यहाँ पर वो सोचेंगे कि मैं यहाँ पर चैलेंज करूँ रोमन रेस को एक मैच के लिए। तो मुझे डोमिनिक यहाँ पर एक सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद यहाँ पर रोमन रेस को चैलेंज कर सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर, और इनका मैच वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लैडर मैचेस के बारे में। यहाँ पर ये चार मैचेस तो हो गए चैंपियनशिप वाले, लेकिन अब बात करते हैं दो लैडर मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विमेंस का मनी इन द बैंक का लैडर मैच होने वाला है रॉकी साइड से, तो यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, आस्का, नियोमी, अलेक्सा विलिस और निकी क्रॉस। टोटल यहाँ पर 8 सुपरस्टार होने वाले हैं इस लैडर मैच के अंदर, तो 4 सुपरस्टार रॉ की तरफ से तो अनाउंस हैं। बाकी बात करें स्मैकडाउन की, तो यहाँ पर कुछ सुपरस्टार मुझे लग रहे हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्मेला, इसके साथ ही लिम मॉर्गन, बेली, और जो चौथी सुपरस्टार है वो मुझे लग रहा है हो सकती है साशा बैंक्स या फिर बेकी लिंच। अब देखो बात करें स्मैकडाउन के हम विमेंस डिवीज़न की, तो यहाँ पर टोटल 7 फीमेल सुपरस्टार हैं स्मैकडाउन के अंदर, उसमें से यहाँ पर 3 तो चैंपियंस ही हैं, नटालिया, टमीना और बियंका बेलर। अब बचते हैं यहाँ पर 4 सुपरस्टार और 4 में से अभी 3 एक्टिव हैं जिनको यहाँ पर मैंने डाल लिया, कार्मेला, लिम मॉर्गन और बेली। इसके अलावा साशा बैंक्स हमें पता है अभी दिख नहीं रही हैं, और बेकी लिंच हालांकि हमें पता है रॉकी सुपरस्टार हैं, लेकिन रिसेंटली जैसे कि हमने देखा था न्यूज़ निकल के आई थी कि बेकी लिंच को यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर मतलब बैकस्टेज यहाँ पर स्पॉट किया गया है, परफॉर्मेंस सेंटर में भी यहाँ पर वो आई थी। तो हो सकता है WWE अगर बेकी लिंच का भी रिटर्न प्लान कर रही हो तो उनको शायद यहाँ पर वो स्मैकडाउन के अंदर डाल दें, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स स्मैकडाउन के अंदर हैं, तो WWE ऐसा भी कनेक्शन बना देती है कि जो कपल होते हैं उनको यहाँ पर एक ही ब्रांड के अंदर रखें। तो हो सकता है बेकी लिंच भी यहाँ पर आ सकते हैं या फिर साशा बैंक्स, और यहाँ पर मैं किसी एक को रखूँ तो यहाँ पर मैं बेकी लिंच को रखूँगा, जो कि हो सकता है यहाँ पर मनी इन द बैंक के लिए अपना रिटर्न कर लें। और क्योंकि फैंस आने वाले हैं तो अब तो हमें जैसे कि लगी राय सुपरस्टार भी अपना रिटर्न कर ही लेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर बेकी लिंच अपना रिटर्न कर लें और इस लैडर मैच का यहाँ पर वो पार्ट बन जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होने वाली है मेरी यहाँ पर विमेंस के मनी इन द बैंक की पूरी जो टीम, यानी कि आप समझते हो इतने सारे सुपरस्टार हमें देखने मिलेंगे। रॉ की साइड से तो कन्फर्म हो ही चुके हैं, लेकिन स्मैकडाउन की साइड से मुझे लग रहा है ये वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि इस साल के लैडर मैच के अंदर हमें देखने को मिले। अब बात करें मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में, तो उसके भी यहाँ पर जो रॉ की साइड से सुपरस्टार हैं वो कुछ कन्फर्म हो चुके हैं, जैसे कि रिकोसे, जॉन मॉरिसन और रिडल, और जो उनका फोर्थ एंड फाइनल मेंबर होने वाला है उसका जो मैच है वो अनाउंस हो चुका है नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में। और इन तीनों में से जो विनर निकलेगा वो यहाँ पर रॉ की टीम की साइड से होने वाला है।
और बात करें प्रिडिक्शन की कि इनमें से यहाँ पर कौन मैच जीत सकता है, तो यहाँ पर मैं दो सुपरस्टार को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से आ सकते हैं। सबसे पहले हैं यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर और दूसरे सुपरस्टार लग रहे हैं वो हो सकते हैं जिंदर माल। अब ड्रू मैकइंटायर तो बिल्कुल मैच के अंदर हैं तो वो इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन जिंदर माल का भी हमने देखा WWE इस हफ्ते उनको बैक स्टेज लेके आई थी रॉ के अंदर, वो आ चुके हैं और उन्होंने भी बिल्कुल यहाँ पर बोला था कि वो इस मनी इन द बैंक के लैडर मैच का पार्ट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह बची नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला था कि हो सकता है अगर यहाँ पर कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो जाए तो उनको यहाँ पर जगह मिल सकती है। तो क्या पता यहाँ पर जो जिंदर माल है वो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर दें। अब वो अभी भी अटैक कर सकते हैं या फिर हो सकता है मनी इन द बैंक वाले दिन भी वो अटैक कर सकते हैं कि बैक स्टेज यहाँ पर वो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर दें और बाद में उनके स्पॉट पर वो आ जाएं, तो ऐसा भी कुछ सीन हमें देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरी प्रिडिक्शन ड्रू मैकइंटायर जिंदर माल में से किसी एक की साइड ही होने वाली है। और बाकी की हम स्मैकडाउन की सुपरस्टार की बात करें तो यहाँ पर मैंने सुपरस्टार्स को रखा है सैमी जेन, बिगी, सेथ रॉलिंग और सेजारो। अब सेथ रॉलिंग और सेजारो हमें पता है इनकी फ्यूड भी चल रही है, मैचेस भी हम देख चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इनके बार बार सिंगल्स मैचेस होने के अलावा WWE इस बार इनको एक लैडर मैच के अंदर ही डाल दे। दोनों सुपरस्टार यहाँ पर लैडर मैच के अंदर आएंगे तो एक बढ़िया मैच वहाँ पर ये दे सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो सेजारो है उन्होंने भी यहाँ पर बैकलैश के बाद यहाँ पर चैलेंज करा था रोमन रेंस को, लेकिन बाद में हमने देखा था सेथ रॉलिंग वहाँ पर आ गए थे, तो सेजारो को भी यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए और WWE उनको पुश भी कर रही है, तो इस बार मैं चाहता हूँ उनको लैडर मैच का यहाँ पर पार्ट बनाया जाए। तो बस ये यहाँ पर मेरी मैच की पूरी टीम होने वाली कि इतने सारे सुपरस्टार हमें इस साल के मनी इन द बैंक के मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप कमेंट करके इसकी आप लोग प्रिडिक्शन बता सकते हो, जितने यहाँ पर सुपरस्टार बचे हैं विमेंस के और मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के, आप किन किन सुपरस्टार को यहाँ पर देखना चाहोगे। इसके अलावा मैचेस की भी प्रिडिक्शन जैसे कि रोमन रेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, कि आपको लगता है ये वाला मैच हमें देखने को मिलेगा या फिर इसके अलावा आपको जो मैच लग रहा है जो कि हमें देखने को मिल सकता है, तो कमेंट करके आप लोग मुझे मनी इन द बैंक की अपनी प्रिडिक्शन बताना। सारे मैचेस आप मुझे बताना किस तरीके से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक की भी ना कहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।